मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस का कहर बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में संक्रमितों की संख्या 182 तक पहुंच गई है। वहीं अब तक 11 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं इंदौर में सबसे अधिक 128 केस सामने आ चुके हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 4 अप्रैल को इंदौर में जो कोरोना पॉजिटिव मिले उनमें से 10 टाट पट्टी बाखल के निकले हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से देर रात जारी किए गए मेडिकल बुलेटिन के अनुसार 3 और 4 अप्रैल को भेजे गए सैंपल में से 16 पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। 16 में से 10 लोग इसी टाटपट्टी बाखल के हैं जहां पर पत्थरबाजी हुई थी। इनमें 5 पुरुष और 5 महिलाएं हैं। गौरतलब है कि इंदौर में जिस टाटपट्टी बाखल इलाके में कोरोना संदिग्ध को देखने गए डॉक्टरों की टीम पर स्थानीय लोगों ने पत्थरबाजी की थी, बल्कि डॉक्टरों के साथ मारपीट भी की थी। इसी इलाके में कोरोना के 10 पॉजिटिव मरीज निकले हैं। इंदौर का ये वही इलाका है जहां 1 अप्रैल को स्क्रीनिंग करने गई स्वास्थ्य विभाग की टीम पर पथराव हुआ था, जिसके बाद देश भर में घटना की निंदा हुई थी। बाद में डॉक्टरों पर हमला करने वालों पर कलेक्टर ने रासुका लगाकर जेल भेज दिया था। प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। इसमें इंदौर की हालत नाजुक बनी हुई है। इंदौर में अब तक 128 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। इतना ही नहीं, लगभग 1000 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। इसके अलावा मुरैना में 12, उज्जैन में 7 और 2 की मौत, जबलपुर में 8, भोपाल में 15, ग्वालियर में 2 और शिवपुरी में 2 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जबकि खरगोन और बड़वानी में 3-3 केस आए हैं। इनमें से 1 की मौत हो गई है। इस तरह छिंदवाड़ा में भी 2 कोरोना पॉजिटिव मरीजों में 1 ने दम तोड़ दिया है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।